ये आपने समूचे भारत की स्थिति देखी कि कल क्या थी आज क्या थी। अब राज्य दर राज्य आपको समझाते हैं कि कल वहां पर क्या स्थिति थी आज क्या थी। सबसे पहले शुरुआत हम पंजाब से करते हैं। ये देखिए पंजाब की स्थिति आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पॉजिटिव केसेस की सबसे पहले बात करते हैं। 57 कल तक पॉजिटिव केसेस थे, यहां पर बढ़कर 68 हो चुके हैं। आज जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का वो 68 है। कल एक्टिव केसेस पंजाब में थे 51, ये भी बढ़े हैं 58। ठीक हुए केसेस कल 1 थे लेकिन आज ये बढ़कर 4 हो गए हैं, ये अच्छा आंकड़ा है। और 5 ऐसे लोग थे जो कल जिंदगी से हाथ धो बैठे थे कोरोना वायरस के चलते, और एक आंकड़ा बढ़ा है जो आज 6 पहुंच गया है। तो पंजाब की स्थिति थी। तो पंजाब की स्थिति आपको हमने समझाने की कोशिश की है कि पंजाब की स्थिति कल क्या थी, कल कितने कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे, आज कितने हैं, कल एक्टिव केसेस कितने थे आज कितने हैं, और जो आंकड़ा जो ग्राफिक्स हमारे सामने निकल कर आया है वो चिंताजनक है पंजाब में भी, क्योंकि यहां पर आंकड़ा जो पॉजिटिव केसेस और एक्टिव केसेस का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु में क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति थी आज क्या स्थिति निकल कर आ रही है, ग्राफिक्स के जरिए तमिलनाडु की स्थिति आपको समझाते हैं। तो तमिलनाडु का ग्राफिक्स आपके सामने है। कल पॉजिटिव केसेस तमिलनाडु में थे 485, जो बढ़कर 571 हो गए हैं, चिंताजनक आंकड़ा है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव के, तो कल थे 476, आज ये बढ़कर 558 हो गए हैं। और ठीक हुए केसेस में कल 6 थे आज 8 हैं, यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जो आज ठीक हुए हैं और अपने घर जा चुके हैं ये जंग जीतकर। मौत का आंकड़ा कल तमिलनाडु में था 3, बढ़कर आज 5 हो गया है। तो तमिलनाडु की स्थिति आप समझिए कि आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। कल पॉजिटिव केसेस कम थे लेकिन आज ये आंकड़ा जो है बढ़ गया है, 500 के पार पहुंच चुका है। एक्टिव केसेस की भी अगर हम ऐसी बात करें तो 400 के पार था कल तक, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आज 500 के पार होकर 558 हो गया है। ठीक हुए लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो कल तक जूझ रहे थे लेकिन अब ठीक होकर घर जा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, 2 लोगों की यहां पर कोरोना वायरस अब तक जान ले चुका है। तो तमिलनाडु की स्थिति आपने देखी। अब तेलंगाना की तरफ चलते हैं और तेलंगाना की स्थिति आपको समझाते हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तेलंगाना का ग्राफिक्स अब आ चुका है। सबसे पहले पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं। 269 केसेस कल तक थे यहां पर पॉजिटिव केसेस, लेकिन आज ये बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 321 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्टिव केसेस कल तक यहां पर 230 थे, ये एक्टिव केसेस अब बढ़कर 280 हो गए हैं। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक जो केसेस जो ठीक हो चुके हैं घर जा चुके हैं वो 32 थे, यहां पर 2 मामले बढ़े हैं। और आज जो ये आंकड़ा निकल कर आया है सामने वो है 34। कल भी यहां मौत का आंकड़ा 7 था, आज भी यहां मौत का आंकड़ा 7 है। तो तेलंगाना में आंकड़ों का क्या खेल है कोरोना वायरस को लेकर, वो हमने आपको समझाया। अब केरल का रुख करते हैं। केरल भी ज्यादा प्रभावित ऐसे राज्यों में आता है जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। तो केरल में क्या स्थिति है वो आपको समझाते हैं। तो चलिए केरल का ये ग्राफिक्स पूरा आपके सामने आ चुका है, अब तक की स्थिति आपको समझाते हैं। पॉजिटिव केसेस की सबसे पहले हम बात करते हैं। कल यहां पर पॉजिटिव केसेस थे कोरोना वायरस के 306, जो बढ़कर 314 हो गए हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक यहां पर 255 एक्टिव केसेस थे, 257 यहां पर हो चुके हैं एक्टिव केसेस। ठीक हुए केसेस ऐसे केसेस जो ये कोरोना से जंग जीत गए और घर जा चुके हैं, कल तक 49 थे जो आज बढ़कर 55 हो गए हैं, ये आंकड़ा अच्छा है यहां पर। मौत का आंकड़ा कल भी यहां पर 2 था, आज भी यहां पर 2 है। तेजी से इजाफा नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं और ठीक हुए केसेस जो हैं वो भी अच्छे खासे रेट में बढ़े हैं। तो ये एक राहत का आंकड़ा यहां से निकल कर आया है, लेकिन फिर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए केरल के बाद अब आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं कि राजस्थान में कोरोना वायरस कैसे तांडव मचा रहा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब राजस्थान का आंकड़ा आ चुका है। पॉजिटिव केस राजस्थान में कल तक थे 200, ये देखिए तेजी से इजाफा हुआ, 53 मामले बढ़े आज से कल से लेकर आज तक, और 253 ये आंकड़ा हो गया। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक 179 थे और बढ़कर जो अब हो गए हैं 232, तो यहां ये आंकड़ा चिंताजनक है। अगर हम ऐसे केसेस की बात करें जो ठीक हो चुके हैं, वो कल भी 21 था, आज भी 21 है, कोई इसमें
बढ़त नहीं हुई है। मौत का आंकड़ा कल भी शून्य था और आज भी मौत का आंकड़ा शून्य है। तो राजस्थान में तेजी से इजाफा हो रहा है पॉजिटिव और एक्टिव केसेस में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है यह राज्य, तो महाराष्ट्र में स्थिति कैसी है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो चलिए अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। पहला ही आंकड़ा आप देखिए पॉजिटिव केसेस का, कल यहां पर 490 था और जिस तेजी से इजाफे की बात हम कर रहे हैं वो आप पहले ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि 490 से ये सीधा 690 पहुंच गया है। तो कितनी तेजी से इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस कल तक यहां पर 424 थे जो एकदम से बढ़े हैं और 603 तक पहुंच गए हैं। तो वाकई चिंताजनक आंकड़ा है यहाँ का। कल तक भी यहां पर ठीक हुए मामले 42 थे, आज भी यहां पर ठीक हुए मामले 42 है। मौत का आंकड़ा आप देखिए और आप इसी आंकड़े से समझ जाएंगे महाराष्ट्र में स्थिति कितनी भयावह है। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तांडव यहां मचा रहा है कि कल तक मौत का आंकड़ा 24 था, बढ़कर सीधे 45 हो गया है। तो महाराष्ट्र क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, ये आंकड़ों के खेल के जरिए आप समझिए कि आंकड़े अपने आप बयां कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कैसे अपना प्रकोप दिखा रहा है और कैसे अपने तेजी से पांव पसार रहा है। तो महाराष्ट्र के बाद अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है। तो देखिए आपको उत्तराखंड का जो ग्राफिक्स है वो आपके सामने आ गया है। उत्तराखंड में पॉजिटिव केसेस की कल संख्या थी 22 जो आज बढ़कर 26 हो गई है। कल एक्टिव केसेस यहां पर मात्र 20 थे जो बढ़कर अब 22 हो गए हैं। दो एक्टिव केसेस यहां पर बढ़ गए हैं। अगर हम ठीक हुए केसेस की बात करते हैं तो कल तक यहां पर दो लोग थे जो ये जंग जीत गए और घर चले गए थे, लेकिन अब ये बढ़कर आंकड़ा 4 हो गया है। दो लोग और जीते हैं और अपने घर जा चुके हैं, यानी कि 4 हो गया है। मौत का आंकड़ा कल भी शून्य था, आज भी शून्य है, ये अच्छा आंकड़ा यहां निकल कर आया है। तेजी से इजाफा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यहां पर जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ठीक हुए केसेस भी बढ़ रहे हैं, ये अच्छी खबर है यहां से।